अजी हाय सर, कहाँ से हो आप? लखनऊ से? कौन सा बोर्ड से किया आपने? इंटर हो गया? कौन सा बोर्ड था? यूपी बोर्ड। बैठो। आपके क्या नाम आपका? अहमद इकबाल। आपका भी हो गया इंटर सेम यूपी बोर्ड से? ओके। देखो क्लास चलेगी इसमें हिंदी मीडियम रहा होगा है ना, इंग्लिश मीडियम कोई इशू तो नहीं होगा ना इंग्लिश में? ठीक है, जहाँ भी कोई इशू आए उसमें ठीक है, हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी मराठी मलयालम ठीक है बता देना। मेन पर्पज़ क्या है समझना है, बात हमारा जो है वो आपके चीज़ें पहुँचनी चाहिए, बस इतना सा है। आप समझ जाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भाषा में उसको आप बता सकते हो है ना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है समझना, आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मेन है समझना यहाँ ठीक है। कहाँ घूम रहे भाई तुम लोग? मेडिकल कॉलेज में जाओगे तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, ये बच्चे हमारे क्या धरोहर हैं, कहीं कुछ हो ना जाए इनको, इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारे है कि नहीं। और बिना एप्लीकेशन दिए कोई मेडिकल कॉलेज से निकल नहीं सकता है। बैठो। ठीक है, तो जिन लोग को याद बताते रहे, जिन लोग को याद नहीं सुनते रहे। ठीक है, बताने से बोलने से और सुनने दोनों तरीके से याद होती है चीजें, लेकिन मुंह बंद करके नहीं रखना है, यहाँ मुंह बंद करके रखना मना है। ठीक है, चलो डार्विन आप 20th सेंचुरी क्या बताया था आपको? हाँ, अर्नेस्ट मायर। कितने प्राइज मिले इनको? क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है ना। पहला प्राइज कब मिला? बेल्जियम प्राइज 1983 में। दूसरा प्राइज 1980। तीसरा प्राइज वो कौन सा था? इंटरनेशनल प्राइज रिपोर्ट प्राइज, रिपोर्ट प्राइज 1999। अलेक्जेंडर अगेजिस किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट मायर को। ठीक है, और यूलुसरी पालिजिस कौन है? जन्म कहाँ हुआ था? कैप्टन जर्मनी। कब? 1904। दिन बताओ? 5 जुलाई 1904 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद 100 साल बाद इनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें कि लिविंग की, तो उसके 5 हमने प्रॉपर्टीज बताई थी। पहला क्या होता है बताओ? ग्रोथ। दूसरा बताओ? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलर ऑर्गेनाइजेशन है ना। कितने बताए थे? 5। इनमें से ऐसे कितने हैं जो डिफाइनिंग फीचर है? कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म, सेलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ पर आ जाएगा? ह्यूमन की बात करें, महंगी फेरा इंडिका का फैमिली कौन सा था? महंगी फेरा इंडिका की फैमिली कौन सी थी? एनाकार्डियेसी। और पोटैटो की और बिंजल की, दतूरा की, पिटूनिया की, सबकी है। और डॉग की कौन सी है? वेरी गुड, डॉग की फिलिडी है कि कैनेडी है? क्या है? तो फिलिडी क्या बोल रहे हो? इनकी बड़ी बहन है बिल्ली, बिल्ली की है फिलिडी। डॉग की फैमिली क्या है? कैनेडी। क्या है? कैनेडी। डॉग की फैमिली है कैनेडी और बिल्ली की फैमिली है फिलिडी। ठीक है, पूरा नाम बोलते हैं कैनिस फैमिलेरिस। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिकस। अरे चलो ये बताओ, कौन से ऐसे टैक्सॉन हैं जो फ्लोरल करेक्टर पे बेस होते हैं ओनली? कौन से ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव फ्लोरल दोनों बेस होते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया इन द ईयर? कितने क्राइटेरिया थे? 5। कौन कौन से जरा बताओ? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लास, बायोलॉजिकल है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और बताया था उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उसको आप बोल सकते हैं। कितने क्राइटेरिया थे पूरे? 5 थे। कितने? 5। बायोनोमियल नॉमिक्लेचर किसने दिया? लिनियस ने। सिस्टमा नेचुरी किसने दिया? स्पीसीज प्लांट रैप किसने दिया? लिनियस ने दिया। किसने दिया? लिनियस ने। ठीक है, पूरी बायोडायवर्सिटी इस दुनिया में कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख इतनी स्पीसीज हैं इस पूरी धरती पे। बस में NBRI कहाँ पे बताओ? TDRI कहाँ पे बताओ? इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे बताओ? और फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है?
क्यों? इंग्लैंड में फेमस बोटनिकल गार्डन है, दुनिया की सबसे बड़ी, है ना, क्यों? इंग्लैंड में। इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। प्लांट के नॉमेनक्लेचर के बारे में एक संस्था का नाम है ICBN, क्या होगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आपके यहाँ जो बुक चलती थी NCERT चलती थी ना, है ना, ठीक है, आपके यहाँ भी वही होगा, ठीक है, वो NCERT चलता है यहाँ पे, है ना, NCERT है। और ICBN का बताओ फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। म्यूजियम में प्लांट होते कि एनिमल? इंसेक्ट को कैसे रखते हैं? कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग करके। और जूलॉजिकल पार्क में कौन होता है? प्लांट के एनिमल, प्लांट के एनिमल, एनिमल भाई, है ना। और एनिमल की क्या स्टडी करते हैं? फूड हैबिट और उनके रहने का स्थान, कैसे लोग रहते हैं, है ना। ये बताओ जो बोटनिकल गार्डन की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें प्लांट होता है कि एनिमल होता है? प्लांट होते हैं। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल, है ना। और बताया था यहाँ पे जो कीस के बारे में बताया था, कीस का जो नेचर होता है कैसे बताया था? एनालिटिकल। और हर स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? लीड बोलते हैं। मोनोग्राफ क्या है? किसी एक टैक्सॉन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज मोनोग्राफ, ठीक। अदर कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन भी था, कैटलॉग भी इसी में इंक्लूड किया गया था। बस में बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया? नेचुरल सिस्टम बैंथम और हुकर ने दिया, है ना। और हमने बताया था यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर। कुलेटर ट्राइकम किस क्लास से बिलोंग करता है? कुलेटर ट्राइकम है क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, क्या है? डिट्रोमाइसिस, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, डिट्रोमाइसिस, TAT, कैट। कैट कहाँ था? डिट्रोमाइसिस। और इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होता है? नहीं होता है, है ना, नहीं होता यहाँ पे। और बताया था यहाँ पे कि जो क्लेविसेप्स किस क्लास से बिलोंग किए थे? क्लेविसेप्स, एस्कोमाइसिटी, है ना। ईस्ट किससे है? एस्परजिलस किससे है? मशरूम किससे है? अस्टलागो किससे है? पान खा रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, अरे पान भी खा रहे हो, लोग सिगरेट भी पी रहे हैं पीछे, देखो कुछ लोग बीड़ी भी पी रहे हैं, मत पियो बीड़ी, देखो गंदी बात है। ये बढ़िया क्लास थी, देखो जा कैसे हो गया मजाक, देखो जा। तो हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। अरे हमारे बच्चे सब कुछ नहीं खाते हैं, जो करते सामने करते, नहीं पीठ पीछे कुछ नहीं करते, भले मेरे सामने कर रहे होंगे, नहीं यहाँ देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। पान खाओ, तंबाकू खाओ, सुरती खाओ, लेकिन मेरा आंसर आना चाहिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खा रहे, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाइए, ठीक है। चलो हम लोग बात करें, पैरट की लाइफ स्पेन कितनी बताई आपने? क्रो की कितनी बताई? बटरफ्लाई कितनी बताई? डॉग की कितनी बताई? क्रोकोडाइल कितनी बताई? ऑफियोग्लासा में क्रोमोसोम नंबर, एप्पल में कितना है? ह्यूमन में कितना है? पोटैटो में कितना है? बिना फर्टिलाइजर के फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजर के सीड बन जाए, कहाँ कहाँ मिलेगा ये? ग्रासेस में, यानी इसकी बेनिफिशियल फॉर फार्मर के लिए बेनिफिशियल होता है, है ना। क्या हुआ, ये तो नवाब हो गया है, आवाज तेज है कि कम है? तेज है, ठीक है, आवाज तेज है, ठीक है। चलो ये लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे, जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी जो सेल बनी होती है किस चीज की बनी होती है? कैलकेरियस सेल होती है। और बना किसका होता है? अच्छा ठीक है, जेम्यूल कहाँ होगा बताओ? कुनिडिया कहाँ होगा? हाँ, और ऑफसेट कहाँ होगा? बल्बिल कहाँ होगा? आईबर्ड कहाँ होगे? हाँ कहाँ होगा? पोटैटो होता है। और राइजोम कहाँ कहाँ पे? ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? किसको? वाटर हाइसेंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। स्टोबलेंथस कुंठियाना, नाम तो सुना ही होगा। कितने साल में फ्लावरिंग होती है? 12 साल में होती है। सबसे शुरू में मैं बताया था, कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2000
सितंबर अक्टूबर 2006 है ना, 2006 में, और फिर हुआ तो 2018 में, अब होगा 2030 में, यानी 2030 है ना, इसको कह सकते हैं ये होगा। ठीक है, बंबू में फ्लावरिंग कितने साल में होती है? 50 से फ्रूट बनता है, नहीं बनता, बनता है लेकिन डेथ हो जाती है उसकी। सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर का नाम बताइए, एमआरएफओ कितने फीट का है? 6 फीट का। कहाँ गायब हो गई लड़की? हाँ मैं, यानी मैं इसे करें, मैं बोलो गांव गए थे, कहाँ गांव पड़ता है? गोरखपुर, गोरखपुर गांव है अब। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, कुछ खास था क्या? तो फिर क्यों चले गए खास? अच्छा घर पे कोई नहीं तो सब लोग चले जाओगे, ये कौन सी बात हो, घर पे किसी कर देते वहां पे। ठीक है, तो देखो बुला दिया हमको, क्या पूछ रहे थे। ठीक है चलो बताओ, ये बताओ कि जो पॉलीसाइफेरियम फ्लैजेला कितने होंगे? ग्रेसिलेरिया में, जिलेडियम में, फ्यूकस में, दो से दो हो गए, हाँ दो की दो से आठ, दो। फ्यूकस में दो है, ब्राउन एल्गी है, और यूलोथ्रिस में, हाँ वालवॉक्स में, क्लेमाडोमोनास में 228 है ना, और डिक्टियोटा में दो। एयर ब्लेडर कहाँ पाया जाता है? कॉलोनियल कौन होता है? डार्टर, दो टाइप कॉलोनी कहाँ मिलती है? वालवॉक्स में, इसमें वालवॉक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे हम लोग? फीमेल से, और मेल गैमेटोफाइट को कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम पॉलेन को देखेंगे तो इस पे दो लेयर बनती है, एक एग्जाइन, दूसरा एग्जाइन किसकी बनी होती है, और स्पोरोपाइन किसका बना होता है? फिनाल फैटी एसिड, क्या है? फिनाल और फैटी एसिड का। देखो जो एग्जाइन होगा हर जगह मिलेगी, एग्जाइन हर जगह मिलेगी, एक जगह नहीं होता है उसको, क्या वहां से क्या निकलता है? जर्पोल। और इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलोज की बनी होती, कौन? इंटाइन, इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉलिंग की बात करें कि ये टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है और थ्री सेल स्टेज में पॉलिनेशन इसका होता है। ज्यादातर केस कैसे होता है? टू सेल स्टेज 60% में, टू सेल स्टेज 40% में, थ्री सेल स्टेज होता है जिसमें जो जनरेटिव सेल होता है उससे क्या बन जाता है? दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जाएगा फ्यूज करे किससे? एक सेल से, और दूसरा किससे? पोलर न्यूक्लियाई से। एक सेल से फ्यूज करे क्या बनाएगा? जायगोट, और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाने का काम करता है, इसको खास ध्यान रखिएगा। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई? 19, अच्छा ठीक है, मैंने बताया था कॉन्डोम के बारे में, मेल के लिए कि फीमेल के लिए? ये रीयूजबल होता है, डिस्पोजबल होता है, डिस्पोजबल होता है, लेकिन वार्ड सर्वाइकल कैप की बात करें तो रीयूजबल के डिस्पोजबल, रीयूजबल दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया था यहाँ पे कि जो नेचुरल मेथड होते हैं इसके फेल होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हम लोग साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट जीरो के बराबर, लेकिन फेल होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। पीरियोडिक एब्सेंट बताया था, और क्या बताया था? लैक्टेशनल एमोनिया, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 6 मंथ, सिर्फ लैक्टेशनल एमोनिया 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है, इससे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी। ठीक है, तब तक वो प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो सकती। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हमने बताया था 14 डे जब होता है ओल्यूशन, कौन से हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है? LH, FSH और इस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, कौन सा? इस्ट्रोजन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमने बताया था यहाँ पे कि जो स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें, जो टेस्टिस की बात करेंगे, तो ह्यूमन में अगर बात करें कितने टेस्टिस होते हैं? एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? कोई 300 बोल रहा, कोई 250 बता रहा है, 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनी फ्रेस्ट ट्यूबुल? 1-2। और इस सेमिनी फ्रेस्ट ट्यूबुल के अंदर कितने टाइप के सेल होते हैं? पहला बताओ, दूसरा बताओ, जर्म सेल और सैटोरी सेल। क्या करता है जर्म सेल? क्या करता है? ये स्पर्म बनाने का काम करता है, उसमें अंदर से बाहर आ जाओ, कैसे कैसे चलेंगे स्पर्म, कैसे कैसे आएगा बताओ? टेस्टिस में सेमिनी फ्रेस्ट ट्यूबुल से स्टार्ट करो, रेटी टेस्टिस, बोलो सेमिनी फ्रेस्ट ट्यूबुल, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस,
फिर यूरेथ्रा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं जो सेमिनल फ्लूइड को बनाने में हेल्प करते हैं, और कौन से बताओ, है प्रोस्टेट है क्या, बल्बोयूथ्रल है, कॉपर ग्लैंड है क्या, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बल्बोयूथ्रल ग्लैंड का काफी ज्यादा इसमें रोल होता है, साथ में सेमिनल साइकिल का तो इसको होता ही है। और प्रोस्टेट बताया था यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका यूज होने से प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, ये हमने बताया था। कौन सा मेथड है जिसमें रिवर्सिबिलिटी की चांस जीरो है, स्टरलाइजेशन मेथड, मतलब जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी, एक बार हो गया तो छुट्टी, अब कुछ नहीं हो सकता, बस मैं कुछ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें इन्फेक्शन बीमारी में सबसे खतरनाक कौन से थे, और नॉन इन्फेक्शन में एड्स का सबसे पहला पेशेंट कब खोजा गया, कहां पे, कौन से वायरस से, किस पे अफेक्ट करता है, हाँ, टी हेल्पर से, किस पे, टी हेल्पर सेल पे, मैक्रोफेज भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पाए जाते हैं किस टाइप के रिसेप्टर, TD4, क्या बोलेंगे, TD4। और ये बताया था यहाँ पे जो कौन जुड़ता है इससे, ग्लाइकोप्रोटीन 120, GP, ग्लाइकोप्रोटीन 120। फिर हमने दो प्रोटीनों बताए थे P24 और P17, P24 अदर तरफ, P17 बाहर तरफ, ये उस तरह से रिएक्शन करता है। गोनोरिया कौन से किससे होता है, डिसेरिया गोनोरिया। अमीबिक डिजेंट्री कौन काज करता है, एंटामीबा हिस्टोलाइट का। लार्ज इंटेस्टाइन किसमा इंटेस्टाइन, टाइफाइड बताओ, हाँ किसमा इंटेस्टाइन, निमोनिया बताओ, अरे सुनो तो, जो निमोनिया होता है वो हीमोप्लस इंफ्लुएंजिस होता है कि किस स्टेटोकोकस निमोनिस होता है, दोनों से होता है, किससे होता है, दोनों से होता है। डेंगी चिकनगुनिया को कौन फैलाता है, हाँ इट इज एजेप्टाई मॉस्किटो, फीमेल की फीमेल, हाँ फीमेल, सारी बीमारी जड़ क्या है, फीमेल है ना। चलो स्कैरिसिस की बात कर रहे हैं, ज्यादा स्कैरिसिस इन्फेक्शन होने से क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है अंदर इंटेस्टाइन को, वो क्या कर देंगे, परफोरेट कर देंगे, वो फट जाएगा, इसे ब्लीडिंग हो जाएगी पूरी बॉडी में, वो डैमेज हो जाता है। तीन जनरा बताए थे फंजाई के जो कास करते हैं दांत कास, कुछ ले कौन कौन सा, इपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। और बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है, हीट और मॉइस्चर, जहां पे हीट और मॉइस्चर कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां फंगस ग्रोथ हो सकता है, इस वजह से उसको ना होने दे, ठीक है। चलो ये बताया था हमारे इंडिया और चाइना की बात कर रहे थे, पूरे जितने भी कैटल है जानवर है वो कितना परसेंट है, प्रोडक्शन के मामले में मिल्क का प्रोडक्शन बेसिकली किस बात पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ, हमने बताए थे दो टाइप की मछलियां होती है जो खाई जाती है, फिश फ्राई के फॉर्म में, कोरमा के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, एक बताया था मैरीन एडिबल फिश, एक बताया था फ्रेश वाटर एडिबल फिश। फ्रेश वाटर में कौन कौन से थे, रोहू कतला, ये फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। और बताया था मैरीन वाटर एडिबल फिश का नाम बताओ, दो ही लोग आवाज आ रही है, हमने कहा था शाही पोमा से याद कर लेना, जैसे शाही पनीर वैसे शाही पोमा, सार्डिन हिल्सा मैकरेल पॉम्परेट आता है, इसे ध्यान रखिएगा, सार्डिन हिल्सा मैकरेल पॉम्परेट शाही पोमा, कोड बताए तभी क्या दिक्कत होती है, हद हो गई, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो ये कुछ बात हम लोग बात करें यहाँ पे, और हमने बताया था यहाँ पे कि जो जब देश आजाद हुआ उसके बाद खाने की प्रोडक्ट दिक्कत का सबसे ज्यादा हो गई थी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम कब माना जाता है, मिड 1960, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम माना जाता है। HD 1553 किसकी वैरायटी है, गेहूं की, HD 1553 किसकी वैरायटी है, P1542 किसकी है, पी की है, पी जो है पी की है, ठीक है, है? गार्डन पी की, हाँ ये बढ़िया है, गार्डन पी की, ये बढ़िया है, गार्डन पी, सफाई कर दिया, गार्डन पी, सही बात है, गार्डन पी की है ना। चलो हमने कई चीजें यहाँ पे बताई, एक वैरायटी थी जया और रत्ना, कहा एक वैरायटी थी भिंडी की,
राइस की कहां बनाया गया, इंडिया में बनाया गया। जया और रत्ना किसकी वैरायटी है, इंडिया में। IR8 किसकी वैरायटी है, राइस कहां बनाया गया, ये फिलीपींस में। नाम क्या बताओ उसका, इंटरनेशनल राइस। कहां देख रहे हो पीछे, हाँ कहां लिखा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, फिलीपींस है ना। और टाइचिनेटिक फर्स्ट ताइवान में। और किसकी वैरायटी है, राइस की, ठीक है। और सोनालिका कल्याण सोना किसकी थी, वीट की वैरायटी थी, किसकी, वीट वैरायटी। बताए यहाँ पे कि जो आपका वीट का प्रोडक्शन है कहाँ से कहाँ बढ़ गया था, बताओ 11 मिलियन से 75 मिलियन, लगभग 7 गुना बढ़ गया था। जबकि जो राइस का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था, 35 मिलियन से 89.5 मिलियन है ना, यहाँ पहुंच गया था। तो देखा जाए तो वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है ना, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो, और इसमें नॉर्मल बोलना कभी काफी ज्यादा इसमें रोल था इसे बनाने में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मेटास्टेसिस कंडीशन होती है, ये बिनाइन ट्यूमर में होता है कि मैलिग्नेंट में, मैलिग्नेंट में होता है, कहाँ होता है, मेन होता है। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो होती है, नॉर्मल सेल ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर की एग्जाम्पल बताओ, फिजियोलॉजिकल बैरियर की एग्जाम्पल बताओ, सलाइवा, एसिड और टीयर्स। फिजिकल बैरियर एग्जाम्पल बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ जो इंटरफेरॉन किसमें आता है, PMNL किसमें आता है, ये बताओ कि एंटीबॉडीज का शेप कैसे होता है, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल, कितने फ्री होते हैं, एक हैवी एक लाइट चेन के कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक होता है, और दो हैवी चेन के बीच में दो होता है। इंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, एन टर्मिनल पे, सी टर्मिनल पे नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदमी कितने 100 साल से स्मोकिंग कर रहा है, 400 साल से। प्राइमरी लिम्फाइड आदमी नाम बताइए, जो टी लिम्फोसाइट होता है वो भी एंटीबॉडी बनाता है कि नहीं, नहीं बनाता। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, लेकिन एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, सेकेंडरी रिस्पांस होता है, दैट इज आल्सो नोन एज एनाफिलैक्टिक रिस्पांस, तो काफी ज्यादा इंटेंसिव होता है ना। और एंटीबॉडीज हमने कुछ टाइप भी बताया थे आपको, वो पता ही होगा आपको, है ना। चलो तो ये कुछ बात कर रहे थे, हो गया सारे टॉपिक, तो हो गया है, अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी हो तो गया, करवा दिया है ना, प्लांट हो गया, अच्छा नहीं करवाते सारे दिए लगभग, है ना, कोई बचा नहीं मुझे लगभग, ठीक है ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे, बाकी जो बचा वो भी करवा देंगे धीरे धीरे। जया रत्ना कई बार पूछी गई है, ये जया और रत्ना दोनों सहेलियां जब भी आएंगे बार बार आएंगे, जया और रत्ना किसकी वैरायटी है, किसने गलत बोला, देख रहे हो इसमें लटका देंगे जो बोले गलत। देखो अगला हमारा बात कर रहे हैं सुगर केन गन्ने की बात कर रहे हैं, ठीक है देखो, ठीक है अच्छा कैसा होगा कि हम दिसंबर से पहले पहले आपके सारे क्वेश्चन करवा दें, अभी जैसे 32 साल के पूरे क्वेश्चन, कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा, है ना। प्लान कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में करवा दूं पूरे, जितना अभी तक आया हुआ है आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इससे सारे क्वेश्चन पहले ही करवा दूं, बाकी चैप्टर जो खत्म होते रहेंगे, है ना। देखो इधर सुगर केन की बात करें, यहाँ पे देखो बुक लाए बच्चे, आप लाए बुक, साथ बैठ जाओ, आप इसके साथ बैठ जाओ, शिक्षक साथ ये बैग उधर रख दो, आप इधर बैठ जाओ साथ, और एनसीईआरटी बुक लेके आना है, ठीक है, हाँ साथ बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। सुगर केन देखो इधर, अच्छा एक चीज और, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन से कौन सी वैरायटी बनाई गई थी, म्यूल, ठीक है। और जो हिसार्डेल बनाया था वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से, बीकानेरी ईव्स और मरीनो, कौन सा मेथड था, क्रॉस ब्रीडिंग। और एक हमने बताया था MOET, मोइट, कौन सा हार्मोन देते हैं यहाँ पे, तो कितने एक निकलते हैं, 6 से 8, ठीक है। और बाद में इसको फर्टिलाइज करा देते हैं, फिर 8 से 32 सेल स्टेज में सर्जरी करके इसको बाहर निकाल देते हैं,
नॉन सेंस की निकालते हैं, अलग आठ अलग अलग जो सरोगेट मदर होते उसमें डाल देते, तो आठ बेबी लगातार ऐसे हो जाते डायरेक्ट। ठीक है, देखो आगे, सैक्रम बारबरी की बात करें, वाज ओनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। हम लोग कौन से इंडिया में रह रहे हैं पता है ना, यूपी किस में आता है, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहे, देखो सैक्रम बारबरी जो है, नाम देखो कैसा है, अगर यहां से हटा दो नाम से पता चल गया होगा, इतना हटा दो क्या बन गया, बारबर बन गया, क्या बन गया, बारबर है ना, इसका मतलब क्या होता है, नाई नौआ देखो यहाँ इसका मतलब नाई है, तो नाम से समझ में आ गया क्या होने वाला है इसका, है ना, हमने तो ऐसे याद किया था, खैर तो नाम समझ में आ गया नाई क्या करता है। देखो कर, वाज ओनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट, इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, जो आप जूस पीते हो बिल्कुल ग्लास में लेके बिल्कुल भौकल बना के ऐसे अमृत पी रहे हैं, नहीं कितनी मक्खियां मरी होंगी उसके अंदर, अंदाजा भी नहीं होगा, नहीं तो जब उसकी बात करेंगे तो वो उसमें जूस कम होता है, लेकिन कह रहे हैं कि उससे पुअर शुगर कंटेंट, उसमें जूस कम होगा तो शुगर ऑब्वियसली कम होगा। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया की बात करें, है ना, सैक्रम ऑफिस सिनेरम, यहां देखो ऑफिस सिनेरम मतलब क्या है, ऑफिस की बात कर रहा है, और ऑफिस में ये लोग तो रहेंगे नहीं, कोई ऑफिशियल आदमी ही रहेगा, है ना, तो जो ऑफिस सिनेरम है ये अच्छी वैरायटी है, इसमें जूस काफी ज्यादा निकलता है, शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है, लेकिन सैक्रम बारबरी की बात करेंगे इसमें जूस कंटेंट कम होगा इसलिए शुगर कंटेंट भी कम होता है। ठीक है, तो सैक्रम बारबरी जो है ये कहाँ ग्रो करता है, पहले ये याद होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया, फिर सैक्रम ऑफिस सिनेरम कहाँ ग्रो करता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, इस समय साउथ का भौकाल भी काफी है, है ना, काफी सारा उसको किया जा रहा है, उसकी मूवी जैसे आई बाहुबली, नहीं वन भी आई और टू भी आई, सुपर डुपर हिट है कि नहीं, तो साउथ इंडिया जा रहा है आगे। अब देखो आगे, हैट थिकर, इसके जो स्टेम होते हैं आपने देखा भी होगा, जो ब्लैक कलर के होते हैं, बड़े बड़े गन्ने होते हैं ब्लैक कलर के, अक्सर लोग उसी यूज करते हैं। ठीक है, इसकी स्टेम काफी ब्लैक होती है। आगे चल के एक हार्मोन बताएंगे आपको, कोई पता है गन्ने से कोई हार्मोन, उसकी लंबाई को बढ़ा देता है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन करता हो, जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम क्या हुआ जिब्रेलिक एसिड, क्या नाम है, जिब्रेलिक एसिड गन्ने में इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देता है, और 20 टन पर एकड़, एक एकड़ में 20 टन प्रोडक्शन बढ़ा देता है सिर्फ इस हार्मोन को डालने की वजह से, कौन, जिब्रेलिक एसिड। बस भाई कुछ तो जिब्रेलिक एसिड बारे में वहां पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या क्या काम करता है, वो सेब जो होता है उसके साइज को बढ़ा देता है, साथ में सेब को भी मेंटेन कर देता है। आगे बात करें, देखो तो कह रहे इसकी स्टेम क्या होती है, काफी थिकर होता है, और देखो एंड हायर शुगर कंटेंट, इसमें शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, किसमें, सैक्रम बारबरी में, नहीं ऑफिस सिनेरम में, सैक्रम ऑफिस सिनेरम में शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। देखो आगे, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर सकती, हम लोग सोचते हैं भाई जो साउथ इंडिया में गन्ना है वहां से जाए यहाँ से, और वहां से अन्ना पन्ना घूम के आए बढ़िया से तमिलनाडु चेन्नई, नहीं और वहां से गन्ना उठा ले अपने यहाँ लगा दे, ग्रो कर जाएगा, नहीं ग्रो करेगा। फिर देखो कह रहे कि बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया में जल्दी से ग्रो नहीं करते, ठीक है, अब तो ग्रो करने लगा, आप देखो यहाँ बहुत सारी, ठीक है, फिर दीज टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट शुगर केन वैरायटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड थिक स्टेम हाई शुगर एबल टू ग्रो इन द शुगर केन एरिया ऑफ द नॉर्थ इंडिया। क्या किया गया है, साउथ इंडिया वाले गन्ने को नॉर्थ इंडिया वाले गन्ने से क्रॉस करा दिया गया, और क्रॉस कराने के बाद जो आपके यहाँ ग्रो कर रहा है ब्लैक कलर वाले गन्ने, ये प्योर नहीं है, क्या है, हाइब्रिड है ये, नहीं है, और हमारे यहाँ देखो इसमें प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया, रावली वगैरह एरिया में काफी ज्यादा एरिया में गन्ने को बोया जा रहा है, तो वह यही है, ठीक है, हाइब्रिड वाला ही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब इसको हाइब्रिड बना दिया गया तो ये हमारे यहाँ जो मिट्टी है उसमें आसानी से ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पहले जो हम लोग साउथ इंडिया डायरेक्ट लाए थे जो प्योर फॉर्म में था वो ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि साउथ इंडिया की मिट्टी अलग है, हमारे एक मिट्टी अलग है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने के बाद हम इसको बो रहे हैं तो हमारे इंडिया में, सॉरी ये जो नॉर्थ इंडिया में भी ये इसके प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ग्रो कर गया। कुछ समझ आया, एक लाइन में समराइज करें तो सैक्रम बारबरी कहाँ ग्रो करता है, नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी कि जहां पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, और सैक्रम ऑफिस सिनेरम कहाँ ग्रो करता है, कौन सा ज्यादा बेटर है,
यानी कि सैकरम सिनेरम, शुगर कंटेंट काफी इसमें ज्यादा होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। और देखो दूसरी बात, तो अब जो साउथ इंडिया वाले प्लांट को डायरेक्टली अगर लेके आएंगे अपने यहाँ ग्रो कराएं तो ग्रो करेगा, नहीं करें तो क्या किया गया इसमें क्रॉस कराया गया, आपस में दोनों के जीन को आपस में क्रॉस कराने के बाद जब कराया गया तो ये ग्रो करने लगे, क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी आ गई है ना, नॉर्थ इंडिया वाला भी है तो अब ये आसानी से ग्रो करने लगा। क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सैकरम बारबेरी जो है वो कहाँ ग्रो करता है तो बताओगे, नॉर्थ इंडिया। और सैकरम ऑफिस नियर कहाँ ग्रो करता है, ठीक है, तो ऑफिस नियरम ध्यान के नाम में छिपा हुआ ऑफिस है तो ऑफिशियल होगा, यानी कि कहाँ होगा साउथ, तो साउथ का मूवी का ध्यान रखोगे तो अपने आप दिमाग में चीजें आ ही जाएगी, है ना, याद रहेगा कौन सा बेटर है कौन सा खराब। आगे देखो ये हो गया शुगर केन की, अगला हमारे पास कौन सा देखो मिलेट्स, आपने मूवी देखी है शोले, देखिए देखिए अब तो मूवी का ही याद आता है, क्या हरिया क्या लेके आए हो, सरकार ज्वार लेके आए नहीं है कि पूरी बोरी क्यों नहीं ले आया, आधी बोरी क्यों लेके आया है, नहीं है। अब तो ज्वार हमने भी कभी नहीं देखा, ज्वार होता कैसे, खैर आपको इससे मतलब नहीं, मिलेट्स की बात करें मिलेट्स में सारे लगभग अनाज आते हैं। देखो कह रही कि हाइब्रिड मेज ज्वार एंड बाजरा, बाजरा देखा लेकिन ज्वार का मुझे पता नहीं है, देखा है, है? नहीं देखा होगा तो जानी नहीं होगी कि इसी को हम बोलते हैं, देखा तो होगा है? गेहूं जैसा गब्बर से पूछ लेंगे, थोड़ा इधर दे देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे वो मंगवाए तो पता होगा, कह रही बाजरे की बात करें हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया, हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा, खास बात क्या है अगर आपसे पूछते हैं मिलेट्स की, कह रहे हैं मिलेट की बहुत सारी वैरायटी, इन सबको देखो जो आपका ज्वार हो गया बाजरा होगा इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं मिलेट्स, क्या बोलेंगे मिलेट अनाज, मोटे दाने इसको बोलते हैं हिंदी में, मोटे दाने वाले। आपसे डायरेक्ट पूछेगा मिलेट जो बनाया गया है खास बात क्या है, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, मतलब कभी खुदा न खास्ता बारिश ना हो सूखा पड़ जाए तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खास बात है, अनाज आपका खराब नहीं होगा प्रोडक्शन के मामले में खराब नहीं होना है, ठीक है ये खास बात है। तो डायरेक्टली पूछेगा मिलेट जो बनाए गए नई वैरायटी खास बात क्या है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है कि पेस्ट रेजिस्टेंस है कि साल्ट रेजिस्टेंस है कि वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस याद रहेगा। अभी बहुत सारे आएंगे, कुछ इंसेक्ट आएंगे कुछ पेस्ट आएंगे कुछ डिजीज आएंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ जाएगा फिर, इसलिए अभी से इसको याद करते चलो। आपसे कुछ भी पूछे हाइब्रिड मेज पूछे ध्यान रखिएगा, मक्का जैसे अभी रतन शक्ति है ना बताया था, ज्वार हो गया बाजरा होगा, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है इसमें, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी है, पानी की कमी हो जाए तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत पानी उसी से अपना काम चला लेंगे। मिलेट्स हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर केन के बारे में क्लियर है ना, जो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, नाम बताओ उसका ऐसा, साउथ इंडिया में ऑफिस, और नॉर्थ इंडिया में सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी देखो यहाँ पे। तो ये हम लोग बात करें मिलेट्स की, क्लियर है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा जो मिलेट की वैरायटी है खास बात क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, क्या बताओगे, भूल जाओगे। यहाँ देखो ये खत्म हो गया आपका शुगर कंटेंट। अब हम लोग बात करें प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, देखो आ रहा है अब डिजीज रेजिस्टेंस आ गया, तो इसे ध्यान रखिए कौन सी वैरायटी है और किससे रेजिस्टेंस है, ये पूछा जाता है। इसे पूसा गौरव हिमगिरी, हाँ बोलो, नहीं ये हाइब्रिड मेज की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड मेज ज्वार है बाजरा इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो मेरी बात समझो क्या मतलब इसका है, जो नॉर्मल मेज होता है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, जो नॉर्मल ज्वार है इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, जो नॉर्मल बाजरा है इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल बाजरा पानी नहीं देखो सूख जाएगा वो, ऐसे आप घर में ग्रो करा के देखो सूख जाएगा, ये सब वैरायटी बनाई गई हाइब्रिड, उसमें कुछ नहीं अलग से जीन को मिलाया गया है। अब करें जो हाइब्रिड मेज ज्वार और बाजरा होता है इसमें आप पानी नहीं मिलेगा तब भी आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, आपकी जो खेती जो पैदावार वो बराबर होगी तो नहीं, ये मेन चीज है, क्लियर। अब देखो अगला हमारे पास है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, चलो आते हैं आप देखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस,
हम लोग अभी जो चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तृत प्रोडक्शन के मामले में कि क्या चीज है, इसका प्रोडक्शन कैसे हम लोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। देखो प्लांट ब्रीडिंग पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस, अब इसमें जितने वैरायटी पढ़ेंगे उसमें डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में कौन कौन सी वैरायटीज है। ठीक, वाइड रेंज ऑफ फंगल बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीशीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एक होता है टेम्परेट, दूसरा होता है ट्रॉपिकल, क्या मतलब है इसका। एंड सेकेंड थिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं तो भूल ही गया था ना, लाइक करो शेयर करो दबा दबा के शेयर करो बढ़िया जल्दी से, और हम लोग पहुंच गए बिल्कुल, है ना। और आप लोग अपने कमेंट भी डाल दिया करो इसमें कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, ये वो करवा दीजिए, है ना, है ठीक है, उस पर डाल दिया करो, अच्छा भी हो बुरा जो भी चाहे वो करो, जो आपके मन में आए करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या चीज, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, बाद में बोलना इसको। ठीक है, तो आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें अच्छा लगता है कोई हमारे बारे में बोले कि सर ये थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये करवा दीजिए, ये कुछ भी कहो आप, वैसे सब कुछ हम छोड़ते नहीं कुछ, है ना, लेकिन फिर भी किसी कुछ लगता है कुछ और अच्छा हो सकता है तो जरूर बताए। कोई जो कमेंट करता है बुरा नहीं लगता कि वो कोई कमेंट कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, है ना। कोई पर्सनल इंटेंशन में कमेंट करेगा तो फिर वो ठीक नहीं रहता ना। आप आपके रीजन है, प्रॉब्लम है, वो आप इशू कर सकते हो। देखो इधर वैसे डायरेक्टली बताओ, प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमसे भी बता सकते हो, अदरवाइज जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। देखो इधर, लेकिन रीजन जेन्युइन होना चाहिए। हाँ देखो, नहीं कोई लिख दिया सर आप कपड़े सही से पहन के नहीं आए, चश्मे लगा क्यों नहीं लगाते हैं, काजल क्यों नहीं लगाता है, आप यहाँ आने से पहले ब्यूटी पार्लर जाया करिए, तो वो तो देखो यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा। देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। टेम्परेट मतलब मौसम बदलता रहता है, जाड़ा गर्मी ठंडी, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं कैसा है टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में मौसम एक जैसा रहता है तो वहाँ पे जो स्पीसीज होती है वो उसी हिसाब से वो एनवायरमेंट में अपने आप को सूटेबल कर लेते हैं। क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू 20-30% और समटाइम इवन टोटल, कहें कभी कभी जो फसल नुकसान होता है तो कभी कभी 20-30% फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो बीमारियां इस बार आम देखो फ्लावर बहुत ज्यादा है, लेकिन आम कहाँ है, आम आया नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कभी कभी 20-30% जो हमारे जो अनाज होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है पूरा पूरा अनाज खराब हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें बीमारियां लग जाती है। उसमें कुछ बीमारी की वजह से 20-30% पूरे अनाज का, पूरे फसल का, या कभी कभी पूरा भी, ठीक है, पूरा भी खत्म हो जाता है। आगे देखो, इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेट रेजिस्टेंट टू डिजीज इनहेंसेस फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए कि जो कुछ वैरायटी हमें हाइब्रिड वैरायटी बनाना चाहिए या ऐसी वैरायटी बनाए जिसपे इस डिजीज का कोई फर्क ना पड़े। याद देखो, दिस ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द यूज ऑफ फंजीसाइड एंड बैक्टीरियासाइड। अब कह रहे हैं अगर हम हाइब्रिड वैरायटी बना लेते हैं, एक फायदा और होता है कि हमें अलग से कोई यहाँ पे मेडिसिन नहीं डालना पड़ता, कोई अलग से बैक्टीरिया को मारने के लिए या फंगस को मारने के लिए अलग से कोई मेडिसिन नहीं डालना। जैसे आप देखा होगा गांव में, जैसे भिंडी वगैरह में क्या करते हैं लोग, राख का छिड़काव करते हैं, राख लकड़ी जल जाती है उसको राख छिड़काव करते हैं, तो ये सब करना नहीं पड़ेगा। देखो खैर, रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर। देखो ऊपर जो लिखा है इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, डिजीज कॉजिंग फंगाई आर कौन कौन, देखो यहाँ पे रस्ट, बताओ किसको बोलते हैं रस्ट, रस्ट फंजाई, पक्टीनिया, पक्टीनिया ग्रैमिनिस, है ना, और कौन सा क्लास था इसका, आई हमारी बुआ लाई हमको हुआ नहीं, कौन सा, पक्टीनिया, अस्टलागो और अगरकस, याद है किससे बिलोंग करते, कौन से क्लास से, बसिडियोमाइसिटिस, कौन सा, बसिडियोमाइसिटिस, रस्ट फंजाई बोलते थे, ठीक है। तो रस्ट जो होता है किससे होता है, फंजाई होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट,
ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, देखो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, और क्या देखो, एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक होता है अर्ली ब्लाइट और एक होता है लेट ब्लाइट, ठीक है। और देखो यहां पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आगे बताया गया यहां पे, ये तो हमने बताया जो ऊपर वाले, ध्यान रखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जो हमने ऊपर वाले बताए बच्चे लोग, ये किससे होता है, फंगल इन्फेक्शन है, किससे, फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन 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 ये जो हम नीचे बता रहे हैं आपको, ये देखो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैसे होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है, एंड बाई वायरसेस, कौन होता है, टोबैको मोजैक वायरस, ये तो आप टोबैको मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक वायरस, देखो मोजैक वर्ड कहीं भी आए, मोजैक वर्ड कहीं भी आए हमेशा होगा किससे, वायरस से, मोजैक मतलब होता है चकत्ते पड़ जा रहे हैं, धब्बे पड़ जाना, स्पॉट पड़ जाना, ठीक है, चाहे वो टोबैको मोजैक वायरस हो चाहे टर्निप मोजैक वायरस हो, मोजैक वर्ड आ गया तो मतलब वायरस से ही होना है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कौन सी बीमारी किससे होता है, तो टोबैको मोजैक वायरस और टर्निप मोजैक वायरस किससे होगा, वायरस से, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर ये कई बार पूछा गया, 8-10 बार तो पूछा ही गया होगा, इससे होता है फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से, क्या बताओगे, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, बैक्टीरिया से, क्रूसीफर में हमने एक और बताया था जो होता है फंजाई से, कोई बताएगा, क्रूसीफर में, क्रूसीफर मतलब कौन सा, सरसों है ना, ब्रैसिका वाले मेंबर बताओ, एल्बिगो, भूल गए क्या, एल्बिगो बताया था, एल्बिगो कैंडिडा भी हो सकता है, एल्बिगो सिस्टोपस भी हो सकता है, तो एल्बिगो बताया था वो किससे होता है, फंजाई से, ठीक है, व्हाइट रस्ट, किसमें, सरसों में, सरसों में व्हाइट रस्ट कौन काज करता है, एल्बिगो जो बिलोंग करता है किससे, फाइकोमाइसिटिस से, यहां क्या देखो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर और कौन काज करेगा, देखो बैक्टीरिया से, यहां देखो, ये देखो यहां लिखा हुआ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वास्तव में ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, किससे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट, एक और होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये होता है अल्टरनेरिया सोलैनी से, क्या होता है, अल्टरनेरिया सोलैनी से, ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा लास्ट में लिखवा भी देंगे, ठीक, कौन सा किससे होता है, यहां सिर्फ फंजाई दिया गया है और बाकी डिटेल नहीं दिया गया, इसे मैंने बैक्टीरिया में दिखाया, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में सब लास्ट में करवा दिए सारे, वैसे यहां भी जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यहां नहीं दिया गया है, इसको हम लास्ट में लिखवा देंगे, याद दिला देना एक बार, ठीक है, लेकिन फिर से बता दूं इन सब पे बारी यही है, क्या ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कई बार पूछा गया है, लोग जल्दबाजी में पढ़ते ध्यान देते नहीं है, ऊपर लिखा यहाँ फंजाई, ये देखा और टिक कर लिया, उनको ऐसा लगता है कि पूरा सब फंजाई से ही होता है, ये गड़बड़ी होती है, ये गड़बड़ी नहीं करना है, ब्लैक रॉट क्रूसीफर याद रहेगा और भूलने हम देंगे नहीं, है ना, चलो आगे आ जाओ, देखो अगला मैंने क्या क्या है, अब देखो यहां पे अब सवाल ये कह रहे हैं जो कैसे हम ब्रीडिंग मेथड क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, प्लांट ब्रीडिंग शुरुआत कब से हुई है, रो 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 क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे, हाँ 9,000 से 11,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई, ठीक है अब आ जाओ आगे, समझदार बच्चे थे, देखो अब करें कैसे करेंगे, देखो ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक डिस्क्राइब अर्लियर और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कर सकते हैं जो किया जाता है मूंग में, इसमें मूंग में देखो आगे, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, यानी कन्वेंशनल मेथड जो होता है, याद देखो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज क्या है, रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन,
अगर आपसे पूछता है कन्वेंशनल जो मेथड होता है ब्रीडिंग का डीजे रेजिस्टेंस से, उस पर खास बार क्या करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, ओनली दो टी, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। ये आपसे पूछ सकता है कौन कौन मेथड होता है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत रूप से जो बहुत प्राचीन काल से लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे दादी नानी के नुस्खे, थोड़ा फुलसी हुआ और नीम की पत्ती या नीम की छाल घिस के लगा लिया, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, जो पुराने समय से चला आ रहा है। वैसे जो पुराने समय से हाइब्रिडाइजेशन तरीका यूज किया जा रहा है वो यही यहाँ पे इसको यूज करते हैं। इट स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक स्टैटिस्टिक सच एज हाई यील्ड, द वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप आर एस। क्या क्या है देखो इसमें, अब करेंगे जो इसमें कन्वेंशनल मेथड होता है इसमें क्या क्या स्टेप है। पहला देखो, स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म, नंबर वन क्या है स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म, मतलब ये हो गया कि आप जो भी वैरायटी ले रहे हो ये देख लो वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। स्क्रीनिंग मतलब छाटना, नहीं है उसको स्क्रीन कर लो कि सही है कि नहीं है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, है ना, एक बैरियर जैसा होता है बीच में। अब देखो यहाँ पे, तो पहला स्टेप कौन सा हो गया, देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम बात करें सबसे पहला स्टेप यहाँ पे स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म, जर्मप्लाज्म के बारे में पढ़ लेंगे। देखो आगे देखो, हमें दिख भी नहीं रहा है इसमें, पता नहीं कितना स्क्रीन में आ रहा है, है? इधर आओ संजय, मुझे स्क्रीन दिखाओ, इसको स्क्रीन में कर ताकि मुझे दिखता भी रहे कभी कभी स्क्रीन नीचे कट जाता है, स्क्रीन कर दो तो आता रहे। हाँ कमेंट में कर दो, देखो देखो देखो। तो पहले हमने क्या बताया, स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, ठीक है। तो पहला काम करो जो भी जर्मप्लाज्म है अच्छी क्वालिटी के बीच है उसको क्या करो, अलग करो। नंबर टू देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, जो भी आपने वैरायटी लिया अब उसको हाइब्रिडाइज करो, यानी कि उसके दो जीन को आपस में मिलाओ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट। तीसरा बताएगा देखो, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड, अब जो आपने सिलेक्ट किया है ठीक है, जो हाइब्रिड बना है उसको इवेल्युएट करो कि वह सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंड टेस्टिंग एंड लीज ऑफ न्यू वैरायटीज, उसके बाद उसको आप टेस्ट करिए नंबर फोर और रिलीज कर दिए न्यू वैरायटीज को नंबर फाइव। जिसे बताया था कि लैब में कोई भी दवा बनती है तो पहले उसको टेस्ट ट्रायल होता है, यानी कि वहां से लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो कोरोना केस में बहुत सारी मेडिसिन थी, वैक्सीनेशन था जिसका ट्रायल लेवल पे था, उसे कोई अभी क्लियर नहीं निकला था लेकिन उसको लॉन्च कर दिया गया जो कि गलत था, है ना। देखो अब करें यहाँ पे, पहला बताया हमने क्या, स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, उसको पहले स्क्रीन करना है। दूसरा बताया हाइब्रिडाइजेशन, जो भी पेरेंट्स उसको हाइब्रिडाइज करो। तीसरा बताया था सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, उसको सिलेक्ट करो कि जो अच्छी वैरायटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और चौथा बताया यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट खेतों में जाके टेस्ट करिए, जो प्लांट जो आपने हाइब्रिड बनाया है उससे प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और पांचों हमने बताया यहाँ पे कि जो उसको फिर आप मार्केट में लॉन्च कर दो, किसान भाई को दे दो कि आप इसको बोइए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन इससे होगा। ये हम लोग बात करें, सम क्रॉप वैरायटीज ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। हमने यहाँ बताया कन्वेंशनल मेथड में दो तरीके बताए, ये बार बार आएगा। कन्वेंशनल मेथड में दो स्टेप यूज किए जाते हैं, पहला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कौन सा सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस टू फंजाई बैक्टीरिया एंड वाटर डिजीज आर रिलीज। तो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन इसी को खास ध्यान रखिए, कन्वेंशनल मेथड दो ही मेथड होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाते हैं ये टेबल जो दिख रहा है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हॉटस्पॉट में आएगा पूरा। देखो
मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% क्वेश्चन से आना ही आना है। ठीक है, देखो आगे यहां पे देखो दिया गया, खास बात यह है कि डिजीज रजिस्टर्ड वैरायटी है। कैसी है? डिजीज रजिस्टर्ड वैरायटी। इससे पहले हमने बताया था फंगल रजिस्टर्ड वैरायटी बताई थी आप, कौन कौन सा था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, रस्ट था, क्या वो सब कैसे थे यहाँ पे? उसी में थे, है ना। देखो आगे क्रॉप की बात करिए, फसल का नाम दिया गया, नाम क्या देखो? वीट। और वैरायटी कौन सी देखो, नाम क्या देखो? हिमगिरी। हिमगिरी एक वैरायटी है जो वीट की है, ये याद रखना है। और खास बात क्या है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ पत्तियां हो गई यहाँ पे, और उसके स्ट्राइप रस्ट, और साथ में क्या नाम बताया देखो? हिल बर्नट। जो आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा देखो, अच्छा इसके रूट्स कैसे होते बताओ, है फाइब्रस रूट है, रेटिकुलेट है, सारे मोनोकॉट में कैसा होगा, और डाइकॉट में टैप रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टैप रूट। फाइब्रस होता है हमारे इसमें मोनोकॉट में। ठीक है, आगे देखो ये पत्ती आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि लीफ और स्ट्राइप दो चीज दिखी, यहाँ पे देखो क्या दिया है, लीफ और स्ट्राइप। ये जो बीज से होता है देखो ये इसको स्ट्राइप बोलते हैं, पत्तियां हो गए लीफ, ठीक लीफ हो गए, साथ साथ ये हमारा हो गया, इसको स्टेम बोल सकते हो या स्ट्राइप बोल सकते हो। इसका स्टेम बहुत कमजोर होता है, पता होता है, अंदर खोखला भी होता है, मोनोकॉट है ना। ये कह रहे हैं कि जो लीफ और स्ट्राइप रस्ट, इसमें रस्टिंग हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पत्तियां क्या होती है यहाँ पे, ये खराब हो जाती है, और यहाँ खराब हो जाएंगे तो ये जल जाएगी, ये निकल के कहाँ जाती है, बाहर निकल जाएंगे, ये पत्ती यहाँ से टूट जाएगी, पत्ती यहाँ से टूट जाएगी, और पत्तियां टूट जाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा उसमें, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कम बनेगा तो सीड में ग्लूकोज जाएगा, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कहाँ करेगा, सीड में। और इसी सीड को तो हम लोग क्या करते हैं, इसी गेहूं को पिसा के हम लोग आटा से रोटी बना के खा लेते हैं। लेकिन जब यहाँ ग्लूकोज ही कम बन रहा है तो सीड में पूरा ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाएगा, इससे सीड क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, बस मैं कुछ, यानी कि प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो खास बात क्या, लीफ एंड स्ट्राइब्रस और हिलबर्न, हिलबर्न मतलब अपने पत्तियां जो होती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जल गया है पूरा, बस मैं क्या हो गया, जल गया है। ठीक, तो ये हम लोग बात करें हिलबर्न की। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हिमगिरी जो वैरायटी बनाई गई है, लीफ स्ट्राइप रस्ट, रस्ट कौन सा है, बैक्टीरियोमाइसिटिस से मेंबर है, और ये इससे रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है, साथ साथ जो हिलबंट है, ठीक है, इससे रेजिस्टेंट वैरायटी भी इसको बनाया गया है। हिमगिरी याद रखिए, कई बार पूछा गया किसकी वैरायटी है, वीट की है। ठीक, अगला हमारे पास देखो क्या है, ब्रेसिका, यानी कि सरसों की बात कर रहे हैं ना, ब्रेसिका मतलब क्या, सरसों का है, हिलबंट, हिलबर्न मैंने ये बताया यहाँ पे कि जैसे आपको जो पत्तियां वगैरह होती है ये आपको ऐसे लगे जल गई है, आपने देखा भी होगा कभी, और आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर की पत्तियां दिखती है, और हल्का उसको छू लोगे ना तो वह टूट जाएगी, ये है, ये होता है हिलबर्न। ठीक है, आगे देखो ब्रेसिका बताया, ब्रेसिका में हालांकि ब्रेसिकेसी पूरा एक फैमिली का नाम है, ब्रेसिकेसी या दूसरा नाम क्या है इसका, क्रूसीफेरी। ठीक है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, तो यहाँ पे ब्रेसिका नाम दिया गया, जो कि सरसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सरसों का पेड़ कितने लोगों ने देखा है, 1 2 3 4 आपने देखा, देखा है आपने, देखा है सरसों का, देखा है नहीं देखा, मूवी में देखा है, हैं, अरे देखा होगा, सरसों में जो पीला पीला फ्लावर होता है, खासकर जो शाहरुख खान के जो मूवी आते हैं वो पीले पीले फ्लावर ही में होते हैं, नहीं यू वाला स्टाइल जो होता है। यहाँ देखो कह रहे हैं ब्रेसिका की बात करें, और इसकी वैरायटी नाम क्या, देखो पूसा स्वर्णिम, नाम दिया गया है करण राय, साइंटिस्ट का नाम है नीचे करण राय, तो पूसा स्वर्णिम, ये नाम तो रखना चाह रहे थे करण राय, लेकिन रख दिया पूसा
अब सोचो ये साइंटिस्ट तो ये कौन रही होंगी, पूसा, ठीक है, समझ गया ना, जैसे न्यूटन और डाइन है ना, क्या थी ये दोनों आपस में, हस्बैंड और वाइफ थे, न्यूटन की वाइफ का नाम क्या था, डाइन, और एक न्यूटन इज इक्वल टू कितनी डाइन, पता किसी को, हाँ सोच लो, मतलब न्यूटन को सोच लो उनका क्या है लिमिट, है ना। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे पूसा स्वर्णिम या करण राय, अब देखो क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछे कि पूसा स्वर्णिम या करण राय किसकी वैरायटी है, ब्रेसिका की, सरसों की। यहाँ देखो खास बात क्या है, व्हाइट रस्ट, ध्यान रखिए कि एल्बियोगो भी व्हाइट रस्ट कास करता था और ये भी व्हाइट रस्ट कास करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट, ठीक है, एल्बियोगो। और देखा होगा जो सरसों के प्लांट होते हैं, जैसे इस समय सरसों का लगभग ठंडिंग मौसम में आते हैं, और उसमें देखो व्हाइट व्हाइट करके स्पॉट उड़ते रहते हैं ऊपर, है ना, उसको हल्का सा हाथ मारोगे तो वो पाउडर के फॉर्म में उड़ते हैं, तो व्हाइट रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हो गई। अगला हमारे पास देखो कौन सी है, काली फ्लावर, दो टाइप के होते हैं, एक कैबेज होता है ना, एक काली फ्लावर होता है, फूल गोभी ना, बंद गोभी और फूल गोभी। यहाँ देखो ये हम फूल गोभी की बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ देखो कह रहे हैं पूसा सुब्रा और पूसा स्नो बॉल केवन, इसलिए रहा कोई बंदूक बंदूक है ना, 2147 देख रहे हो, पूसा स्नो सुब्रा पूसा स्नो बॉल केवन, ये किसकी वैरायटी है आपको याद रखना है कि पूसा सुब्रा या पूसा स्नो बॉल केवन ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, ठीक। आगे देखो दूसरी बात देखो क्या है, किस तरह से वैरायटी, देखो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, यानी ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट वैरायटी, पीछे पढ़ा था हमने ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, याद आया, तो उससे रेजिस्टेंट ये वैरायटी होती है ये, लेकिन ये कॉलीफ्लावर से, कॉलीफ्लावर जो है ये भी क्रूसिफेरी में ही आते हैं, मूली हो गया गोभी कहाँ आते हैं, क्रूसिफेरी में, है ना। देखो अगला हमारे पास देखो क्या है, काउपी, अभी पढ़ा था गार्डन पी, पी 1542 43 काउपी की बात करें, पूसा कोमल, यहां लिखा है गाय, गाय कैसी है, कोमल होती है, सारी खराबी तो किसमें है, भैंस में है बेचारी, है ना, और गाय कितनी टुड़ाती होगी, ये आ गई काली कलूटी, देखो यहाँ पे पूसा कोमल, तो कोमल कौन होती है, गाय होती है, कौन होती है, गाय, तो पूसा कोमल याद रखिएगा, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, काउपी की वैरायटी है, ठीक, ध्यान रखिए। आगे दूसरी बात करें यहाँ पे किससे रजिस्टर वैरायटी, देखो बैक्टीरियल ब्लाइट से, बैक्टीरियल ब्लाइट से रजिस्टर वैरायटी। अगला हमारे पास है चिली, अब कौन सा दिन है जब आप चिली नहीं खाते हो, कोई ऐसा दिन है जिसमें चिली नहीं खाते हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, है ना, चिली पोटैटो, चिली पनीर, है ना, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, तो पूसा सदाबहार यानी कि हमेशा, सदाबहार मतलब हमेशा, अब हमेशा क्या खाते हो, चिली, तो पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है, पूसा कोमल बहुत कोमल है, कौन, काउपी, ठीक, ये निपट गए। और वीट यहाँ पे हिमगिरी है, खैर आगे देखो दूसरा कह रहे हैं कि देखो यहाँ लिखा है चिली मोजैक वायरस, मोजैक आया, मोजैक आया, और कहाँ पे, कहीं भी पत्तियां मुड़ जाए, टूट जाए, मोजैक हो जाए, कैसे होती, वायरस का सिम्टम है, कर्ल कर जाए, यहाँ देखो एंड वायरस एंड लीप कर्लिंग, तो कह रहे चिली मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस और लीप कर्लिंग जो हो जाए, इसको कौन कास करता है, मतलब इससे रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी जो चिली होगी, मिर्ची में किसी ने मिर्ची का प्लांट देखा होगा, उसकी पत्तियां देखा, कुछ पत्तियां ऐसे ट्विस्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, और जब ये ओपन प्रॉपर नहीं होगी तो सनलाइट प्रॉपर, तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर नहीं होता है, तो चिली मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस या लीफ कर्ल जो होता है, इससे रजिस्टर्ड वैरायटी कौन सी बनाई गई, पूसा सदाबहार, अब पूसा सदाबहार में ये वैरायटी, मतलब ये बीमारी नहीं होता है, ठीक है, चलो बात करें चिली पूसा सदाबहार, फिर से देख लो वीट की बात करें, हमने बात करें हिमगिरी की, तो हिमगिरी की वैरायटी, हिमगिरी किसकी वैरायटी बताओ, वीट की, पूसा स्वर्णिम या करण राय किसकी है, और पूसा सुब्रा या पूसा स्नोबॉल किसकी है, कॉलीफ्लावर पूसा कोमल किसकी है, पूसा सदाबहार किसकी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये आपको पुरपुर याद होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा देखो यहाँ पे कुछ चीजें तो आपको याद होगी, ब्रेसिका और सरसों में हमेशा व्हाइट रस्ट होता है, ये खत्म हो गया, तो सरसों किसकी है, व्हाइट रस्ट होता है, क्या होता है, व्हाइट रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, और जो पूसा सुब्रा किस रेजिस्टेंट वैरायटी है, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है, और पूसा कोमल किससे है, बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट है, पूसा सदाबहार चिली मोजैक वायरस टोबैको मोजैक वायरस या लीफ कल्चर रेजिस्टेंट
वैरायटी है, ये ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में याद नहीं होगा, रोज रोज दो रोज जब कराते रहेंगे तब सारी चीजें याद होगी। देखो अब मैं ब्रीडिंग बताया कितना मुश्किल लग रहा था आपको, इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग काफी कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन सारा खत्म। एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा, और बार बार पढ़ोगे तो उससे रिविजन होता है और हमेशा परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ठीक, देखो आप अभी पूछेंगे इनमें से, जब आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे तब। दया रत्ना किसकी वैरायटी थी? टाइचिनेटी फर्स्ट, IR8, सोनालिका कल्याण सोना, वीट की है, क्या बात है। पूसा सदाबहार, हिमगिरी पीट का है, अच्छा। पूसा कोमल, काउपी, देखो कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटीज और वाइलिटीज। मतलब ये हो गया कन्वेंशनल ब्रीडिंग होता है बेसिकली, इसमें एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट से ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद करें इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रो डाइवर्स मींस एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर इंस्टेंस सम टाइम लीड द डिजायरेबल जीन बीइंग आइडेंटिफाइड। प्लांट हैविंग दीज डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन देन बी आइदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली और कैन बी यूज इन ब्रीडिंग अदर ब्रीडिंग मेथड। खैर इसको छोड़ो, इसमें कुछ है ज्यादा है नहीं। अब यहां देखो जरा अगला हमारे पास कौन सा है, म्यूटेशन। कौन सा? म्यूटेशन। देखो यहाँ पे कह रहे म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा म्यूटेशन होता क्या है, कौन कौन से जो रेडिएशन बताया जो म्यूटेशन काज करते हैं? पहले बताया था गामा रेडिएशन, सीटी स्कैन से होता है क्या, एक्सरे से होता है? अरे एक्सरे में क्या होता है, सीटी स्कैन में भी एक तरह ही यूज किया जाता है। आयनाइजिंग की नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग है भाई, एक्सरे कैसा है, एक्सरे भी आयनाइजिंग, सीटी स्कैन में एक्सरे ही यूज करते हैं। और सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा बताया था, MRI है ना, कौन सा, MRI। देखो यहाँ पे करे म्यूटेशन तो उसे किया गया जाता है जो ये गामा रेडिएशन लेके वो जो सीड होते हैं उस पर हम इसको डालते हैं, इससे उसे जीन में कुछ म्यूटेशन हो, उस सीड को फिर खेत में बोते हैं हम लोग, देखते कुछ चेंज हुआ तो हो सकता है कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया हो जिससे आगे जो प्लांट बने प्लांट की लंबाई बढ़े साथ साथ उसमें सीड का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, तो हमारे लिए क्या हो गया, बेहतर हो गया। लेकिन ये कब तक कर दिया, कम से कम 100 बार 200 बार 1000 बार करते हैं तब जाके कहीं एक वैरायटी मिलती है। बस मैं देखो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि अगर आपके बॉडी में डाला जाए इसलिए करें एक्सरे बार बार नहीं करवाना चाहिए, इससे क्या होगा म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर से बीमारी पता चलता है लेकिन उससे बीमारी होती भी है कैंसर, इस थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मतलब महीने में कम से कम एक या दो बार ज्यादा नहीं कराना चाहिए। देखो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंज इन द बेस सिक्वेंस, बेस सिक्वेंस में चेंज कर देता है। और आपको बताया था हमने यहाँ पे ये देखो ये DNA A और T कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, दो A और T के बीच में और GST के बीच में, ये देखो ये क्या करेगा जो गामा रेडिएशन होता है ये आके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ने से क्या होगा यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा, हाइड्रोजन और थायमिन कुछ भी नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जिसके वजह से ये म्यूटेशन होता है। तो बेस सीक्वेंस यहाँ पे बदल गया, यहाँ देखो विद इन जीन, अब कह रहे हैं कि रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स और ट्रेड, अब इससे नए कैरेक्टर बन, ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स और ट्रेड नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप, जो कि पहले में नहीं मिलेगा। और हाँ दोनों बातें हो सकती हैं कि आपने सीड पे क्या डाला, गामा रेडिएशन डाला, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उसको सीड को जब डालोगे हो सकता है उससे सीड ही ना बने, बने तो बहुत छोटे में तो हमारे लिए क्या है फायदा है नहीं, तो दोनों बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि ऐसा बने सीड जो आगे चल के बहुत बेकार हमारे लिए यूजलेस हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वैसे रहे, या ऐसा भी हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, वाले फायदा कौन सा है जो ज्यादा हो जाए नहीं। करें कि ऑर्टेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप, इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन, इसे बताया गया गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन करके हम लोग म्यूटेशन करा सकते हैं, ठीक, एंड सिलेक्टिंग एंड यूजिंग दिस प्लांट that have the desirable characters as a source in breeding. This process is called the mutation breeding. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटेशन ब्रीडिंग।
म्यूटेशन करके जो ब्रीडिंग जो उसपे वैरायटी बनती है उसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। बस में तीन लोग बात कर रहे हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन ब्रीडिंग कराने के लिए कौन सा रेज यूज करते बताओ? गामा रेडिएशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, अब इसी म्यूटेशन ब्रीडिंग करा के एक वैरायटी बनाई गई किसकी? मूंग की। आपसे देखो यहाँ पे एम यू लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है? एम यू लिखा है। तो म्यूटेशन कहाँ किया गया याद रहेगा? तो मूंग की नई वैरायटी, मूंग की दाल तो खाई होगी, देखा तो होगा ही। अरहर की दाल खाई है? देखा तो होगा ही, देखा है? देखो अरे यार तुम लोग कुछ नहीं खाए क्या? देखो म्यूटेशन की बात करें यहाँ पे मूंग बीन, ठीक है? तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? मूंग बीन में रेजिस्टेंट टू, खास बात क्या है? येलो मोजैक वायरस। अगर आपसे पूछा कि मूंग की नई वैरायटी बनाई गई है, ठीक है, और किस मेथड से बनाया गया है? म्यूटेशन ब्रीडिंग से कराया गया है। एमयू मूंग, एमयू म्यूटेशन, और किससे रेजिस्टेंट वैरायटी है ये? येलो मोजैक वायरस। पहले लगता था लेकिन अब इसमें नहीं लगता है, क्या? येलो मोजैक वायरस का इन्फेक्शन इसमें नहीं होता है। एक चीज और देखो, पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस बाई म्यूटेशन, साथ साथ येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट है और पाउडरी मिल्ड्यू, ये देखो, यानी दो बीमारियों से रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि ये इस पे इन्फेक्शन करता था जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती थी, और डिकम्पोज होने के बाद वो पाउडर के फॉर्म में निकल निकल के वो कैंसर की तरह समझ लो इसको, वो निकलता था, है ना? इससे कैंसर पूरा बॉडी के सेल जो है वो करने लगता है, वैसे बिल्कुल यहाँ पे सेम थी। तो अगर आपसे पूछे कि जो मूंग बनाई गई नई वैरायटी वो म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया गया है, अब जो नई वैरायटी बनाई गई इसमें खास बात क्या है? ये येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी है और पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो दो बीमारी से रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई किसकी? मूंग की। इसमें सिर्फ क्या किया गया है? म्यूटेशन। क्लियर? तो ये कुछ बात है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन काफी आसान है, और इसमें लिए क्या कराते हैं हम लोग? गामा रेडिएशन कराते हैं। क्या कराते हैं? गामा रेडिएशन, और बेस सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाता है, इस वजह से म्यूटेशन होता है। ये हम लोग बात करें म्यूटेशन की। तो मूंग में पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है क्या करके? गामा रेडिएशन करके। इसके अलावा कुछ और वैरायटी भी बनाई गई। देखो यहाँ पे मिलेट में वैरायटी कुछ बनाई गई, क्या खास बात क्या थी मिलेट में? वाटर रेजिस्टेंट थी मिलेट में, ज्वार में, बाजरा में, क्या था? वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी थी। यहाँ देखो इसके अलावा कुछ और भी, देखो वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टीवेशन स्पेसीज ऑफ प्लांट हैव बीन शोन टू हैव सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर बट हैव वेरी लो यील्ड। कुछ ऐसे भी है जिनमें प्लांट में प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इससे किसानों को नुकसान हो जाता है। इसमें देखो डीजल काफी महंगा हो गया है, अब किसान को पहले डीजल खरीदो, सीड ले आओ, खेतों की रखवाली करो, एक आदमी उसी में लगा रहता है, पता लगा प्रोडक्शन भी ना हो तो बेकार है। जब बेचने के टाइम आ तो सस्ता हो गया। याद रखो कैरी की हैंस देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन्स इनटू द हाईली यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज। अब एक चीज देखो दिखाया गया यहाँ पे, यहाँ देखो रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस, येलो मोजैक वायरस इन भिंडी। येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट एक वैरायटी और बनाई गई थी अभी जल्दी, कौन सी थी वो? मूंग की। किसकी? मूंग की थी भाई, है ना? एक वैरायटी और है किसकी? भिंडी की है, ठीक है? भिंडी देखा है आप लोगों ने? देखा है। देखो यहाँ पे नाम क्या, देखो एबेलमास्कस एस्कुलेंटस, क्या नाम है? एबेलमास्कस एस्कुलेंटस भिंडी की वैरायटी है, वाश ट्रांसफर फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। एक ऐसी भिंडी की वैरायटी जंगल में ग्रो करती है, अब जंगल में कौन लगाने गया? अपने आप ग्रो करती है। जंगल के जो प्लांट होते हैं प्रोडक्शन कितना हो ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ जो प्लांट होते हैं उसमें वाटर का कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं। वाटर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है, पत्तियां अच्छी होती है, पेड़ की लंबाई भी काफी अच्छी होती है। तो वाइल्ड वैरायटी वाले इसको क्रॉस करा दिया गया। देखो कह रहे कि यहाँ पे वाश ट्रांसफर फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज, एबेलमास्कस एस्कुलेंटस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वाइल्ड स्पीसीज इसको ट्रांसफर किया गया है एंड रिजल्टेड इन ए न्यू वैरायटी, और इसकी नई वैरायटी बनाई गई ऑफ एबेलमास्कस एस्कुलेंटस की, और उसको बोलते क्या है? प्रभानी क्रांति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे एबेलमास्कस एस्कुलेंटस जो है ये कैसी वैरायटी है? वाइल्ड वैरायटी है, और खास बात क्या है ये किसकी, इसको क्या बोलते हैं आप? प्रभानी क्रांति। तो प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी हो गई? भिंडी की वैरायटी। इतने आपको याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? एबेलमास्कस एस्कुलेंटस। बस में कुछ
और एक फॉरेन सॉरी जंगल की एक वैरायटी थी भिंडी की, उसके जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है। अब यही जो एबल मास्कस स्प्लेंटस है, अब इसी का नाम क्या हो गया है, प्रभानी क्रांति। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है, हिमगिरी किसकी है, हिमगिरी किसकी है, ऊषा कोमल किसकी है, अच्छा ऊषा सुब्रा किसकी है, काली फ्लावर है ना, अब ऊषा सदाबहार, जया रत्ना किसकी है, राइज की है ना, किसकी है, राइज की। और वीट का प्रोडक्शन कितना गुना बढ़ गया अभी, कितना 11 से 75 मिला, और राइस का देखो इधर, अरे आर द एबव एग्जांपल इन्वॉल्व सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन दैट आर इन सेम क्रॉप स्पीशीज, अरे इसमें जैसे मान लो जो जंगल की जो वैरायटी थी उसमें खास बात क्या थी, वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी थी है ना, पानी से रेजिस्टेंट सॉरी, और इसके अलावा कोई बीमारी से रेजिस्टेंट वैरायटी थी, क्योंकि तो जंगल में कोई दवा जाने डाल जाएगा नहीं, वो अपने आप से ग्रो करेगा, और जो अपने आप में ग्रो करेगा उसकी इम्यून सिस्टम क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो क्या किया गया, जंगल की वैरायटी को लाके इसमें भिंडी की वैरायटी में डाल दिया गया, और क्या नाम था, एबल मस्कस स्प्लेंटस। जब इस जीन को लाके इसमें डाल दिया गया तो इसका नाम बदल गया, नाम क्या था, भिंडी का, प्रभानी क्रांति। डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है, अब देखो आगे, ऑल द एबव एग्जांपल इन्वॉल्व सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स दैट आर इन द सेम क्रॉप स्पीशीज व्हिच हैज टू बी ब्रीड फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस और इन इट रिलेटेड वाइल्ड स्पीशीज। लेकिन जो भिंडी होता है जो जंगल में ग्रो करता है उससे भिंडी कम निकलता है, सीड कम निकलते हैं, लेकिन हाँ प्लांट काफी लंबे चौड़े होते हैं, वो चीज हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय द सिलेक्शन। अभी हम लोग बात करें, देखो मैंने बताया कन्वेंशन मेथड में दो चीजें हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, ये सारी चीज बताएंगे आपको जेनेटिक्स में ठीक है। अब देखो आगे, अगला हमारे पास है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिजीज रेजिस्टेंट थे, कैसे थे, और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज। जैसे हिमगिरी हो गया, क्या थी वो, डिजीज रेजिस्टेंट थी है ना, ऊषा कोमल क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंस, ऊषा सोडियम क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, बस ना कुछ प्लस का ध्यान रखिएगा। करें अनदर, अब यहां बताया गया प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस, यहां बताया गया इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट में जो रेजिस्टेंस इसको पेस्ट बोलते हैं है ना, इंसेक्ट क्या बोलते हैं, पेस्ट। अब देखो क्या करें, करें अदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। आपको पता है जो ये इंसेक्ट होते हैं, अभी जल्दी में सुना था आपने, क्या नाम है, ये जो टिड्डे होते हैं ना, पाकिस्तान पहुंच गए थे, तो वीजा पासपोर्ट तो लगता नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने फसल जो है बहुत खराब कर दिया था, वहां से उन लोगों ने भगाया, फिर कहीं और भाग गए, कहां गए पता नहीं, यहाँ पे है ना चाइना में काफी ज्यादा इंसेक्ट टिड्डे टहल रहे थे, और ये लोग टिड्डा पूरा ग्रुप होता है, लोकस बोलते हैं, जहां जाते हैं पूरा फसल जो है ये खा जाते हैं। वही कह रहे जो इंसेक्ट होते हैं इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है फसल का, है किसको, किसको खा जाते, टिड्डे को, कौन इसको देख, चैनल में बताना चाहिए फोन करके, हेलो हेलो वो टिड्डे आ रहे हैं, वो फ्राई करके बता दो आराम से, चाव में तरह निपटा देंगे, नहीं और क्या, चाइना वालों को एक फायदा ये चीज है कि ये चीज इस मामले में अच्छा है, ज्यादा इंसेक्ट उनको बोल दो टिड्डे आ रहे हैं, रिसर्च कर लेंगे अच्छे इसमें कौन से प्रोटीन अमीनो एसिड एसेंशियल है कि नहीं है, फैटी एसिड, अरे यार विटामिन भी है, ले आओ उसको कढ़ाई में डाला पूरा, देखो हाँ ठीक है, इस किसी के तो काम आए है ना। कह रहे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ए होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर। अब कह रहे इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी होती है प्लांट जो इंसेक्ट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसके जो कहना में पत्तियां काफी सॉफ्ट होती है तो इंसेक्ट को अटैक करने में आसानी हो जाती है, वही पत्तियां हार्ड हो जाए तो मजाले वो काट पाए, नहीं काट पाएंगे ठीक। जैसे आप देखो गन्ने का जो पत्तियां देखो बिल्कुल धारीदार होती है, हल्का सा अपना हाथ चला दो पूरी हाथ कट जाएगी आपकी। यहाँ देखो कह रहे कि एक चीज बता, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद देखो, कह रही हेरी लीव्स को
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो पत्तियां होती हैं वो हेयर जैसी होती हैं, बालों के जैसी होती है। कोई नाम बताओ एग्जांपल में। है कोई पत्तियां ऐसी बताओ जो पतली पतली होती हो, याद आ रहा है? क्या बताओ बताओ, याद आ रहा है? अरे छोड़ो इधर देखो, इधर देखो, कह रहे हैं कि अगर ये कोई पत्तियां जो है जो हेयर जैसी होती पतली पतली होती है तो इंस्टेंट उसमें कोई बैठ पाएगा, जैसे बैठे चलाएगा नीचे नहीं है। तो कह रहे हैं अगर हेयरी लीव्स है तो उसमें क्या होगा, इंसेक्ट नहीं लगेंगे, पत्तियां चौड़ी नहीं पतली पतली हो और कटे फटे बीच में, ठीक है? तो वहां कह रहे हैं कि ये इंसेक्ट इसमें नहीं रहेगा। दूसरी बात कह रहे देखो, रेजिस्टेंट टू जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीव ब्लाइट इन वीट। यहाँ क्या कह रहे देखो, जैसे कॉटन की बात करें, कॉटन में जो एक रेजिस्टेंस होती है, जैसिड क्या है, एक ये इंसेक्ट है, ये कह रहे कॉटन में इन्फेक्शन करता था पहले, ठीक है, लेकिन इसकी पत्तियां जो है कॉटन की, कॉटन की पत्तियां ऐसे होती नहीं है, जिसे देखा होगा पत्तियां काफी अच्छी होती बड़ी होती, लेकिन अगर ये हेरी जैसे होने से वजह से क्या हो गया, अब इस कॉटन में जैसिड जो इंसेक्ट था अब इस पर अटैक नहीं करता है पत्तियां हेरी होने से। दूसरा देखो, सीरियल लीफ बीटल्स इन वीट, वीट में कह रहे हैं कि वीट की पत्तियां ऐसी हो गई और पत्तियां पतली होने से क्या हो गया कि जो लीफ बीटल होता है ये कीड़ा जो होता है इसका इन्फेक्शन इस पर नहीं होता है। बाकी कुछ तो ये जो दो वैरायटी हमने बताई, एक इससे किससे फायदा हुआ, पत्तियां का हेरी होने वजह से पत्तियां पतली हो गई जिसकी वजह से जो जैसिड होता है उसको कॉटन पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और जो लीफ बीटल होता है, बीटल मतलब गुबरेला बोलते हैं ना, ये किस पे वीट पे अटैक नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या होने से पत्तियां का पतली होने की वजह से। दूसरी कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कह रहे इन वीट सॉलिड स्टेम, आपको पता है जैसे कि वीट में जो स्टेम होता है कैसा होता है, हालो होता है, ऐसा होता है भाई मोनोकॉट होता है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये सॉलिड हो जाए तो क्या होगा, देखो सॉलिड स्टेम लीड टू द नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम्स ऑफ फ्लाई एंड स्मूथ लीव। यहां देखो कह रहे जो स्टेम्स ऑफ फ्लाई होता है, फ्लाई मतलब इंसेक्ट होता है ये भी, कह रहे कि अगर जो वीट का जो स्टेम होता है सॉलिड होने की वजह से स्टेम्स ऑफ फ्लाई इस पर अटैक नहीं करता है, ठीक है, स्मूथ इस पर अटैक नहीं करता है। दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेम ऑफ फ्लाई की, तो सॉलिड स्टेम से फायदा क्या हुआ, स्टेम ऑफ फ्लाई अटैक नहीं कर रहा किस पे, वीट पे, इसको मैं अभी अलग भी लिखवा दूंगा। तो देखो आप कह रहे कि अगर मान लो इसके अलावा कह रहे कि जो पत्तियां जो है काफी स्मूथ हो जाए, ठीक स्मूथ हो जाए, साथ साथ क्या देखो नेक्टर लेस हो जाए, इसमें नेक्टर ना पा जाए, और किसमें कॉटन की बात करें, और ये कह रहे इसमें बाल वर्म जो होता है इसका इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब ये कहने का है कि पत्तियां अगर स्मूथ हो जाए और उसमें नेक्टर ना पाए जाए तो उससे क्या होता है जो बालवर्म होता है उस पर अटैक नहीं करता है, कॉटन बालवर्म, बीटी कॉटन, याद है बीटी कॉटन बनाया गया था, इसी रेजिस्टेंस वैरायटी थी, और कौन सा जीन थी इसमें, ट्राइजीन, कौन सी थी, ट्राइजीन, अभी इस पर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं यहां देखो, कह रही कि हाई स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड जो होता है क्या है, ये स्पार्टिक एसिड क्या है, अरे अमीनो एसिड है भाई, नहीं पता, फिनाइल एलिनिन स्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, क्या है ये अमीनो एसिड है, क्या है ये एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है, कैसा है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। यहां देखो कह रही कि स्पार्टिक एसिड ज्यादा हो जाए और नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाए, साथ साथ में शुगर कंटेंट क्या हो जाए, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज, उससे क्या हो जाएगा, आप देखो रेजिस्टेंट टू मेज, ली रेजिस्टेंट टू मेज, ठीक है, मतलब ये कहने मतलब है कि हाई स्पार्टिक एसिड हो जाए, लो नाइट्रोजन कंटेंट हो जाए और शुगर कंटेंट भी कम हो जाए, ठीक है, और स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर, इसमें जो मेज स्टेम बोरर इसमें नहीं लगता, आपको पता होगा जो मक्के का जो पेड़ होता है अंदर से सॉलिड होता है, तभी तो मक्का ऊपर चढ़ता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन ये जो कीड़ा क्या करता है, जैसे मान लो ये मक्का है, सपोज दैट ये है, मक्के में कौन सा रूट, बताओ
कौन सा रूट बताया हमने? देखो कौन सा रूट है ये? यह मक्का, ठीक है मक्का है। कौन सा रूट होता है बताइए? हैं मक्के में स्टील रूट पाया जाता है। ये देखो ये इधर ये मक्का हो गया, कह रहे हैं कि अब इसमें अगर एक पेड़ में कम से कम 8-10 मक्के तो लगते ही हैं, लेकिन कह रहे हैं अगर ये जो है अंदर से जो स्टेम बोरर अगर अंदर इंटर कर गया, देखो इसके अंदर ये देखो, तो अंदर से क्या कर देगा ये? खोखला कर देगा, और खोखला करेगा तो क्या होगा? ये हल्का सा हवा चला ये और गिर जाएगा नीचे, पूरा पेड़ खराब। तो कह रहे हैं कि इसमें बताया गया कि नाइट्रोजन कंटेंट कम हो और शुगर कंटेंट भी कम हो, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड क्या हो? ज्यादा हो। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो शुगर, ये किसको खत्म करते हैं? स्टेम बोरर को। बस मैं कुछ एस्पार्टिक एसिड ज्यादा होने से, नाइट्रोजन कंटेंट कम होने से, शुगर कंटेंट कम होने से इसमें क्या नहीं लगता? स्टेम बोरर लगता, जो स्टेम को होल्ड कर देता है, पूरा पेड़ खराब कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ बात ध्यान रखिएगा। और हेरी लीव होने से, पत्तियां बालों जैसी होने से क्या कहां फर्क पड़ता था? देखो जो वीट की वैरायटी थी है ना, इसमें इंसेक्ट जो होता है उसका इन्फेक्शन नहीं लगता है, जैसे कि कॉटन में जैसिट और वीट में कौन सा है? लीफ बीटल। इतने रेजिस्टेंट ये वैरायटी होती है। उसमें ये जो वैरायटी हमने बताई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं एक साथ अभी यहाँ पे करवा भी देंगे, ठीक है। तो कौन सा रूट बताया हमने यहाँ पे? स्टील रूट पाया था। और खास बताया यहाँ पे ये कि अगर इसमें मेज में क्या चीज हो जाए जिसके वजह से ये बच जाए स्टेम बोरर से? इसी में तीन ऑप्शन बना देगा, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई नाइट्रोजन कंटेंट, हाई शुगर कंटेंट, ठीक है ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, हाई शुगर कंटेंट, क्या जाएगा? गलत जाएगा। इसे कई सारे इसमें ऑप्शन बन सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन कंटेंट कम होना चाहिए, शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। मीठा सिर्फ आप ही को पसंद नहीं है, इसको भी पसंद है, इसलिए कहते हैं ज्यादा मीठा खा के सोने चाहिए नहीं, अगर आप सो जाओ तो दांत आपके पूरे खराब हो जाएंगे, क्लियर? हाँ अच्छा वो बता दिया, हमको पता ही नहीं था, टाइम हो गया है ना, तो टाइम हो गया है, ठीक है। चलो हमारा एक खत्म भी हो गया टॉपिक। अच्छा इसको मैं एक साथ पूरा करवा दूंगा इसके पीछे ना, जैसे आपको लिखा हुआ डायरेक्टली, इसको मैं एक साथ पूरा नए सेट पे इसको करवा देंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी चलेगा बारहवीं क्लासिफिकेशन में जो भी है, आप प्लान करना शुरू करें शायद, क्यों अभी बचा हुआ शायद बारहवीं क्लास में है ना, ठीक है। कहाँ तक करवाए थे पर्यटन पे? आज इनकी इवनिंग क्लास है, अभी रुकेंगे वो क्लास कर लेंगे, अभी आपके पास टाइम है लगभग 25 मिनट के, आप कुछ खाना पीना खा